लॉकडाउन किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज बना रही हूँ पिंडी छोले, मसाला छोले, पिंडी छोले। और छोले ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, और इसको बनाने के लिए हमें रात को छोले हम भिगोते हैं और सुबह हमने तड़का लगाया और हमारे छोले तैयार। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। ये छोले मैंने रात को भिगो दिए थे, ये लगभग एक कटोरी है, 150 ग्राम आप मान के चलिए इसे, और रात को हमने इसे भिगो दिया था। और अब मैं इसे उबाल रही हूँ, इसको हमने कुकर में ट्रांसफर कर दिया है। और उसमें मैं 1 गिलास पानी, 1/4 मीठा सोडा डाला है मैंने इसमें, 1 चम्मच नमक, और ये मैं 4 पत्ते तेज पत्ते के डाल रही हूँ। इसको उबालने में ही डाल रहे हैं, इसका उबालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 2 मैं इसमें ये टी बैग्स डाल रही हूँ। आपके पास टी बैग्स नहीं है तो आप जो कॉटन वाला हमारा कपड़ा होता है उसमें आप चाय पत्ती डालिए और बांध दिया, और बांध के इसमें हमें कुकर में डालकर उबालना है। और इसको लगभग हम 6 सीटियां लगाएंगे। ये देखिए छोले हमारे बॉयल हो गए हैं और ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ, और इसमें जो मैंने टी बैग्स डाले थे और ये जो तेज पत्ता लीव डाला था इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब हम छोले का तड़का बनाने के लिए मैंने अपनी कढ़ाई गर्म कर ली है, और मैं उसमें 1.5 करछी लगभग ऑयल डाल रही हूँ, 1/4 हींग, और ये 1/4 जीरा इसमें हम भून रहे हैं, और ये प्याज। ये प्याज हमारी भून रही है, और अब मैं अदरक डाल रही हूँ इसमें। फिर मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बना ली है और इसको भी मैं डाल रही हूँ, और फिर मैंने 2 हरी मिर्च भी अंदर ही टमाटर के अंदर प्यूरी में डाल दी है। ये देखिए ये हमारा जो प्याज और टमाटर है ये भून गए हैं, और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/4 लगभग, 1/4 नमक, 1/4 लाल मिर्च, मिर्च और नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये 1/4 गरम मसाला, और 2 चम्मच इसमें मैं ये डाल रही हूँ चना मसाला। ये मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है, बिल्कुल होने वाला है। अभी ये 5 मिनट तक मैं इसको और भूनूंगी, फिर इसमें हम अपने चने ऐड करेंगे। देखिए ये जो है हमारा तड़का भुन गया है, और अब मैं इसमें अपने छोले ऐड कर रही हूँ। इसमें छोले को थोड़ा सा मुझे गाढ़े लग रहे हैं, मैं 1/2 ग्लास में पानी डाल रही हूँ, और इसको हम 15 मिनट भी गैस पे पकाएंगे। अब मैं छोलों को ढककर पकाती हूँ। हमारे हो गए हैं, और अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड डाल कर रही हूँ, और हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने पैन गरम कर लिया है, और उसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ। ये स्लाइस कर लिया मैंने अदरक के, और वो डाल रही हूँ उसके अंदर, थोड़ी सी हरी मिर्च लंबे लंबे, हम 2 मिनट भूनेंगे, और ये लाल मिर्च, ये देगी लाल मिर्च डाली है मैंने, और इसको तड़के को हम डालेंगे अपने छोलों के। ये देखिए, और इसमें मैंने बारीक बारीक जो पनीर डाला है उसको मैं एक बार इसी फ्राइंग पैन में, जो पैन है मेरा उसके अंदर मैं डाल रही हूँ, और हल्का सा हम इसे भून लेंगे। इसी से देखिए हमारा, ये देखिए, और मैं इसको भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। हरा धनिया हमारा आ गया इसमें, और अब आप देख सकते हैं ये हमारे छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। छोले देखिए कितने सुंदर हो गए हैं, और आप इसे खाइए घर में और बनाइए, इंजॉय करिए। आप छोलों को किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, छोले पूड़ी, छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले चावल और चपाती के साथ भी। मैंने आज इसके साथ बनाए हैं राइस। तो चलिए
हम इसको एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय करते हैं। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय।